अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। वेलकम टू द ऑनलाइन असेसमेंट सॉल्विंग सेशन फ्रॉम दारे रकम स्कूल्स, फैसलाबाद रीजन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेशन विद दुआ। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड फॉर दुआ। रब्बी शाहली सदरी वयसरली अमरी वहलुल उकदत मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इन आवर सॉल्विंग सेशन टुडे वी विल सॉल्व लेक्चर नंबर 12, क्लास 1 एंड सब्जेक्ट इज साइंस। हेयर वी हैव चूज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं और उनके साथ 3 ऑप्शंस हैं। आपने राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नंबर 1 इज़ लिविंग थिंग्स कैन, जानदार चीज़ें क्या कर सकती हैं? ईट, खा सकती हैं, मूव, हरकत कर सकती हैं, बोथ, दोनों काम कर सकती हैं। यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेल मी, आप लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं? खा सकती हैं और मूव कर सकती हैं, मीन्स कि वो दोनों काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम बोथ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नॉट, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें क्या नहीं हैं? इनमें से कलरफुल, रंग बिरंगी नहीं हैं, अलाइव जिंदा नहीं हैं, स्मॉल छोटी नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें क्या नहीं हैं? अलाइव नहीं हैं, मीन्स के लिविंग नहीं हैं, नॉन लिविंग हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द डैश। स्टूडेंट्स, आपने अपने चैप्टर प्लांट्स में पढ़ा है क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होते हैं? राइट, क्रीपर्स जो हैं वो प्लांट का नाम है जो के ग्रो करता है किसके साथ? ग्राउंड, ज़मीन के साथ, वॉल, दीवार के साथ या डोर, दरवाजे के साथ। जी स्टूडेंट्स, ग्राउंड, ज़मीन के साथ। क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड के साथ ग्रो करता है, यानी ज़मीन के साथ साथ उगता है। प्लांट्स हैव मैनी डैश, प्लांट्स बहुत सी, प्लांट्स के पास बहुत सी होती हैं शेप्स, साइजेस, बोथ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है अपने चैप्टर में कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनके उनकी जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और उनके साइजेस भी। सो वी विल टिक ऑन बोथ, यानी कि इनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, शेप्स भी और साइजेस भी। क्लाइंबर क्लाइम्स अप, क्लाइंबर भी एक प्लांट है जो के चढ़ता है किसके ऊपर? वॉल्स, दीवारों के ऊपर, डोर्स, दरवाज़ों के ऊपर, स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, आपने क्लाइंबर के बारे में क्या पढ़ा है अपने चैप्टर में कि क्लाइंबर जो है वो वॉल्स के ऊपर चढ़ता है। क्लाइंबर एक ऐसा पौधा है जो के वॉल यानी दीवार के साथ साथ उगता है, ग्रो करता है। स्टूडेंट्स, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, आपने सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट डज प्लांट प्रोवाइड अस, पौधा हमें क्या मुहैया करता है? प्लांट प्रोवाइड अस फूड, पौधे हमें खुराक मुहैया करते हैं। आपने पढ़ा है ना अपने चैप्टर में कि पौधे हमें क्या मुहैया करते हैं? पौधे हमें खुराक मुहैया करते हैं। जी स्टूडेंट, व्हाट डज प्लांट प्रोवाइड अस, पौधा हमें क्या मुहैया करता है? प्लांट प्रोवाइड्स अस फूड, पौधा हमें खुराक मुहैया करता है। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है ना कि पौधों से हमें बहुत सी खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पौधे जो हैं वो हमें खुराक मुहैया करते हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट वुड टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, हम फर्नीचर और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से हासिल करते हैं? वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, हम लकड़ी दरख्तों से हासिल करते हैं। दरख्तों से लकड़ी हासिल करने के बाद हम उनसे फर्नीचर और इसी तरह की लकड़ी की दूसरी अशिया बनाते हैं। आर द प्लांट्स ऑफ द सेम साइजेस एंड शेप्स, क्या पौधे
एक जैसे साइज और एक जैसी शक्लों के होते हैं? नो, द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स के साइजेस और उनकी शेप्स मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, वो सेम नहीं होते। जैसे कि आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, इसी तरह से उनकी शेप्स और उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टूडेंट, हमने प्लांट के पार्ट्स राइट करने हैं कि प्लांट के पौधे के हिस्से कौन कौन से होते हैं। फ्लावर, फूल, लीफ, पत्ता, स्टेम, तना, रूट्स, जड़ें, ये एक प्लांट के पार्ट्स होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आपने अपने लेक्चर नंबर 12 में असेसमेंट सॉल्विंग शीट के अंदर आपने ये प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स की डिफरेंट साइजेस और शेप्स होती हैं और वो किस तरह से हमें खुराक मुहैया करते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और अब आपको पेपर सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। सो जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत शाबाश, और जिन्होंने नहीं किया तो वो जल्दी से इस काम को कर ले। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।